चलिए, आई थिंक हर एक बच्चे ने मॉड्यूल वन की क्लास देख लिया है। मॉड्यूल वन के 5 क्वेश्चन कंपलसरी कर लिया। मैंने बार बार मेंशन किया भाई, हर एक टाइप के बच्चों का जो पर्सनल डाउट बहुत पूछते हैं, बहुत पूछ रहे हैं, इसलिए बार बार मेंशन करता हूँ। वीडियो में मेंशन करने के बावजूद आ रहे डाउट पूछ रहे हैं। नोट्स नहीं है, नोट्स का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करा भाई। 21 रुपीज़ चार्ज है, तो जिन बच्चों को नोट्स चाहिए नोट्स इजिली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब बात करते हैं सर, मॉड्यूल वन हमारा पढ़ के हो गया। ध्यान रखना, मेरा सजेशन बार बार मेंशन कर रहा हूँ भाई, एक मॉड्यूल पिक करो, 5 क्वेश्चन पहले साइड कर दो, 5 क्वेश्चन साइड कर दो। पूरा साइड नहीं हो पा रहा मतलब सर पूरा डिटेल्स नहीं पढ़ के हो पा रहा, तो उनको मेरा सजेशन है मीनिंग एंड पॉइंट्स क्लियर करना। अलग अलग प्रेजेंटेशन देखना सीख लो, क्लियर है? मीनिंग पॉइंट्स कर लेना, प्रेजेंटेशन अगर आपने देखना सीख लिया तो इजिली केटी से तो इजिली बच जाओगे। मीनिंग प्रेजेंटेशन पॉइंट्स का अगर दिखाने का जो प्रेजेंटेशन है अगर अच्छा है तो भाई केटी से तो इजीली बच जाओगे। कितने क्वेश्चन? 5 होने के बाद ही आना यूनिट नंबर 2 पे। यूनिट 2 पे भी क्या पैटर्न है, वही सेम पैटर्न में दे रहा हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कितना आने के चांसेस सर इसमें से? एनी वन कहाँ पे दिखेगा सर? लॉन्ग आंसर कहाँ पे दिखेगा सर? लॉन्ग आंसर, लॉन्ग आंसर बोले तो कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 3 में और लास्ट में 3, 4, 5 कितना आएगा सर? एनी वन कहाँ पे दिखने वाला है? लॉन्ग आंसर, लॉन्ग आंसर कितने मार्क्स का? 7.5, दोनों मिला के कितने आते हैं? 15 मार्क्स। और ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर कहाँ पे आएगा? 3 में ही आएगा, बट ऐसा भी हो सकता है 5 में से कोई एक क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में भी मिल सकता है आपको, शॉर्ट नोट्स में भी मिल सकता है। इसलिए मेरा सजेशन है भाई, 5 क्वेश्चन दे रहे हो तो 5 बेटर कर दो। अब उसमें ऑप्शन की डिमांड मत करो सर कि और कोई ऑप्शन में रख सकता हूँ क्या भाई, 5 से कम तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं शॉर्ट नोट्स प्लस लॉन्ग आंसर मिला के आपको दे रहा हूँ IMP। क्वेश्चन क्या है देखो ना, यहाँ पे क्या प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट है, 2 फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ प्राइसिंग है एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग है, दोनों मोस्ट IMP में रखा हूँ। दोनों मोस्ट IMP मतलब आप बोल सकते हो भाई 90+% आने का, 90+% आने का। कहाँ पे सर? शॉर्ट नोट्स में या फिर लॉन्ग में, मोस्टली चांसेस लॉन्ग में ही है। तो भाई लॉन्ग के हिसाब से प्रिपरेशन कर लेना, 7 to 8 पॉइंट्स लिखना है विथ मीनिंग। एंड पेज की जब बात करते हो सर, कितना पेज? 2.5 पेज अपने को लिखना है। नेक्स्ट देखो ना, 3 क्वेश्चन जो नीचे दिख रहे हैं, एक तो प्रोडक्ट पोजिशनिंग का कॉन्सेप्ट है, पैकेजिंग का कॉन्सेप्ट है, लास्ट आपका इन्फ्लुएंसिंग ऑफ ब्रांड इक्विटी कॉन्सेप्ट है। ये 3 में से एक क्वेश्चन आपको देखने मिल सकते हैं। 3 में से कितना? 1 कहाँ पे देखेंगे सर? लॉन्ग में। लॉन्ग में नहीं आया तो शॉर्ट में जरूर देखने मिल जाएगा, शॉर्ट में जरूर देखने मिल जाएगा। कितने मार्क्स से कवर करा के देगा सर? 7 to 7 plus 15 मार्क्स का आने का चांसेस बहुत ज़्यादा। अब मैं ये एकदम गारंटी नहीं बोल सकता सर एग्जैक्ट छप ही जाएगा, बट हाँ ये है भाई बहुत एनालिसिस करने के बाद, तो मैं स्टार्टिंग से मेंशन करते आ रहा हूँ, पूरा पेपर जब आप मैच करोगे 60 to 80% पेपर मैच हो जाएगा। 60 to 80% पेपर क्वेश्चन आपके मैच होने वाले हैं आपके पेपर में, लॉन्ग आंसर एज वेल एज शॉर्ट नोट्स के मिला के मैं बात करूँ। तो जो बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा था, मॉड्यूल 1 सबसे पहले पढ़ लेना। एंड मॉड्यूल 1 कंप्लीट होने के बाद ही, बार बार सजेशन दे रहा भाई, कंप्लीट होने के बाद ही आना मॉड्यूल नंबर 2 पे। क्वेश्चन मेंशन किया, यही क्वेश्चन कवर करना। नोट्स को लेके कोई प्रॉब्लम है तो नोट्स मैंने बताया था, जो नंबर शेयर किया था भाई 8452020551, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। 5 क्वेश्चन प्लस मैंने 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया, जिन बच्चों को पता होगा स्टार्टिंग से चैनल फॉलो कर रहे हैं तो उनको पता होगा 8 क्वेश्चन हर एक यूनिट में दिया भाई। 5 क्वेश्चन उन बच्चों को जिन्होंने अभी तक कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया भाई, एक दिन का टाइम बचा है सर, 2 दिन का टाइम बचा है, तो उन लोग के लिए सजेशन रहता पहले 5 क्वेश्चन हर एक यूनिट का कर लो, कंप्लीट कर लो, उसके बाद टाइम बचा तो अदर क्वेश्चन करो, अदरवाइज नहीं क्वेश्चन करना। आपको नोट्स मिल जाएगा इस नंबर पे अगर आप ये पेमेंट करके, पेमेंट कितना रखा है? 21 एक मिनिमम चार्जेस रखा भाई, जो हमारे एडिटर हैं उनको पेमेंट करने के लिए, उसका चार्ज पे करने के बाद आपको इजीली व्हाट्सएप पे नोट्स मिल जाएगा। और नोट्स कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही है, मतलब कंप्लीट सिलेबस का नहीं हुई, 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 8 में से 5 जो मोस्ट IMP है जो मैंने हाईलाइट किया आपको, वो प्रैक्टिस आप कर सकते हो। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई, वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा TYBAF वालों को भी शेयर करो, क्योंकि उनका भी एग्जाम है तो उनकी भी इंपॉर्टेंट क्लास मैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। एंड BCOM वाले बच्चों को तो शेयर ही करना है आपको, क्लियर, ताकि उनको भी इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।